हथियारबंद थे, दोनों ने डंडे हाथों में पकड़े हुए, हाँ बिल्कुल हथियारबंद थे। तेया पूरी टीम को ये कह जाते हैं कि ये काम छोड़ दे नहीं तो तेरे को जान से मार दिया जाएगा। कल भी ऐसी गतिविधि हुई है पर हमने इस चीज को अनदेखा ही किया कि ऐसा कुछ अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो डर का माहौल पैदा हो जाएगा, सेवा कैसे होगी फिर? तो हम डरते डरते कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। ब्रेड हो गए, दूध हो गया या दवाइयाँ हो गई, किसी का इलाज हो गया, तो भाई ने बहुत काम कराया, ऑपरेशन कराया भाई ने कहीं औरतों के बच्चों के, तो मैं तो भाई के साथ मरते दम तक साथ दूंगा। लगा पहुँचाया किसी को भी चोट पहुँचा सकते थे, उस पर हमारे लिए ना आए हो किसी और के लिए आए हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी सीसीटीवी फुटेज निकाली जाएगी और जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। अगर सारी संस्था एक हो जाए तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते, सभी अपनी अपनी सोच के कारण, सभी अपने राजनीति के चमकाने के कारण, सभी अपने घरों में चुप बैठी है, इसी कारण भाई आज अकेला खड़ा है। नमस्कार, मैं रविंदर सरपंच और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं जिला सचिवालय, जी हां सीएम सिटी का जिला सचिवालय हम मौजूद हैं। और हम आपको बता दें कि सीएम सिटी करनाल के अंदर काफ़ी क्राइम बढ़ता जा रहा है, लोगों को धमकियां दी जाती हैं, तरह तरह के मैसेज लिखे जाते हैं जिसके चलते क्राइम यहाँ पर चरम सीमा पर आ जाता है। और उसके बाद एक जो NGO है, जी हां जो गरीब लोगों की मदद करती है, जो बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, उनको भी धमकियां दी जाती है, जान से मारने की धमकियां दी जाती है। जो लावारिस डेड बॉडियों के लिए काम करते हैं, जो गरीबों के लिए काम करते हैं, जो बेसहारों के लिए काम करते हैं, जी हां, और वो इस समय जिला सचिवालय में SP साहब के पास पहुंचते हैं और क्या कुछ पूरा मैटर है उनसे जरूर जानेंगे। लेकिन जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ इसे शेयर जरूर कर दे। इस समय हम आपको सीएम सिटी के जिला सचिवालय से लाइव तस्वीर दिखा पा रहे हैं, तो जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ शेयर जरूर करें। और इतना जरूर कहना चाहेंगे जो सीएम सिटी है वो आज क्राइम सिटी बनती जा रही है, इसके पीछे कौन है, कौन इसका कारण है, क्यों प्रशासन चुप्पी साधे बैठता है? क्योंकि सीएम सिटी करनाल के अंदर चाकू चलते, तलवारें चलते और तरह तरह के मैसेज दीवारों पर लिखे जाते हैं, शैक्षणिक संस्थानों पर लिखे जाते हैं, उसके बाद प्रशासन चुप बैठता है और काफी समय के बाद कार्रवाई होती है। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है, जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, पूरा क्या कुछ मैटर है पूरा? पिछले करनाल के लोगों को बहुत अच्छे से और आसपास के लोगों का, हरियाणा के लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि 3 साल से नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी काफ़ी ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। जितने भी कोविड भी सेक्शन है, जितने भी कोविड रहे हैं उसमें भी हमने काफ़ी एक्टिव होकर काम किया। पर बहुत निंदनीय बात यह है कि परसों जब हम अपना लाइव प्रतिक्रिया दिन की प्रतिक्रिया बता रहे थे लाइव अपने पेज पर आके, है कि कल्पना चावला के अंदर बिना नंबर प्लेट के बाइक आती है, स्प्लेंडर बाइक आती है, 2 युवक उसके ऊपर सवार थे, आखिर कौन थे वो? बड़ा सवाल है प्रशासन के सामने भी कि बिना नंबर प्लेट सीएम सिटी करनाल के अंदर बाइकें घूमती है और उसके ऊपर धमकियां दी जाती है, जी हाँ उनके द्वारा लोगों को धमकियां दी जाती है, और कौन थे वो लोग? मैं ऐसा कुछ, मेरे को मतलब मेरा अपना लाइव चल रहा था तो मेरा ऐसे कोई कंसंट्रेशन नहीं गया कि कौन थे ऐसे लोग, पर वो हथियारबंद थे, दोनों ने डंडे हाथों में पकड़े हुए, हाँ बिल्कुल हथियारबंद थे। सबसे बड़ी बात तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की सिक्योरिटी पर आती है कि ऐसे व्यक्ति हॉस्पिटल कैंपस में अंदर एंटर कैसे हुए। जो लोग ये कहते हैं, जितने भी अधिकारी हैं, ये कहते हैं कि हॉस्पिटल में परिंदा पर नहीं मार सकता, और फिर भी ऐसे लोग आकर जानलेवा धमकी दे जाते हैं, पूरी टीम को ये कह जाते हैं कि ये काम छोड़ दे नहीं तो तेरे को जान से मार दिया जाएगा। बहुत निंदनीय बात है, मेरे लिए नहीं है कि बट जो मेरे साथ टीम मेंबर रहते हैं 15 साल से लेके जो 22 साल के युवा जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। और रोज़ की ये चीज़ें रोज़ की है, हमने बैठना लाइव आना है, अगर हम रोज़ ये चीज़ें कर रहे हैं, रोज़ ऐसा कुछ होएगा तो एक डर का माहौल पैदा हो जाएगा। और आज हम पहुंचे थे SP साहब को मिलने, शिकायत दर्ज करवाने, परसों की शिकायत दर्ज कराने, हालांकि कल भी ऐसी गतिविधि हुई है पर हमने इस चीज़ को अनदेखा ही किया कि ऐसा कुछ अगर हम ज़्यादा सोचेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। बात तो ये है कि हम एक सेवा के रूप में अगर घर से निकले तो वो सेवा तब तक ही है कि जब तक हमारे बीच में उस चीज़ की एक लगन है, ठीक है, सेवा की लगन है। अगर डर का माहौल पैदा हो जाएगा सेवा कैसे होगी फिर? तो हम डरते डरते कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद परिवार है जो शाम को आकर हमारे से पहले बैठे होते हैं, अगर कोई तकलीफ दे देता है, दुख दे देता है, कोई दिक्कत दे देता है, कोई उनके साथ ऐसी घटना हो जाती है तो बहुत। SP साहब ने आश्वासन दिया, उन्होंने सिविल लाइन SHO को मार्क कर दिया, उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा कि पूरी CCTV फुटेज निकाली जाएगी और जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। तो
आप क्या कहना चाहोगे जो ऐसे लोग सीएम सिटी में घूम रहे हैं, जो मतलब धमकियां देते, जो मतलब सोशल काम कर रहे हैं उनको धमकियां देते, जान से मारने तक की धमकियां देते, तो क्या कहोगे उन लोगों को, ऐसे लोगों को? देखो, ऐसे कुछ लोग हैं जो धमकियां देते हैं, ऐसे उनको नहीं करना चाहिए। जो ये काम है ये भी हर एक के बस का नहीं है। सभी अपने घर परिवार छोड़ के लोगों की सेवा करने के लिए आते हैं। वहाँ बहुत ही जरूरतमंद और गरीब परिवार होते हैं, उनको भी चोट लग सकती है, किसी को भी ऐसा हो सकता है। तो मैं यही प्रशासन से अपील करूँगा, अपने SP साहब से, DC साहब से, वो इस पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करें, क्योंकि ऐसा ना करने पर कल महज 200 मीटर की दूरी पर ही दो दो तीन तीन थाने हैं। सिविल लाइन थाना है, अपना सदर थाना है, और अपने कल्पना चौल में भी पुलिस वाले कई बार आते रहते हैं, लेकिन उसकी बावजूद भी नकाबपोश हथियारबंद लोग अंदर आए। ये तो एक सवालिया निशान है जो हमारे ये कल्पना चावला के जिनसे हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं और एडमिनिस्ट्रेशन है और अपने DC साहब है, SP साहब हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जैसे वो नकाब पोश आए हैं, किसी को भी चोट पहुँचा सकते थे, हो सकते हमारे लिए ना आए हो, किसी और के लिए आए हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो यही अपील करूंगा प्रशासन की, जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करें। तो कब से काम कर रहे हो इस NGO में आप? 3 साल से इंडी ब्लेसिंग नोट मनी करनाल में गरीब परिवार की सेवा करती आई है। कोरोना काल में भी हमारे जो टीम, उन्होंने अपनी जान से भी वो करके फिर भी उन्होंने बहुत सेवा की है, लेकिन ऐसा अत्याचार होना चाहिए। तो क्या अपील करते हो आप SP साहब से, जो मतलब इस प्रकार से धमकी दी जाती है, बाइक पर दो युवक आते हैं, नकाबपोश आते हैं, हथियारों के साथ आते हैं, तो क्या जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से SP साहब और DC साहब, करनाल की जनता को हाथ जोड़कर एक अपील करना चाहता हूँ। गुरुकृत भाई हमारा 3-4 साल से कल्पना चावला में हर रोज अपने परिवार के जिम्मेदारियों के साथ साथ उन मरीजों की देखभाल करते हैं जिनका कोई यहाँ तो साधन नहीं है पैसे का, तभी कल्पना चावला में लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए जो सक्षम नहीं है पैसे से। और गुरुकृत भाई अपना ब्रेड हो गए, दूध हो गया या दवाइयाँ हो गई, किसी का इलाज हो गया, तो भाई ने बहुत काम कराया, ऑपरेशन कराया भाई ने कई औरतों के, बच्चों के, तो मैं तो भाई के साथ मरते दम तक साथ दूंगा। और करनाल के लोगों से, करनाल की संस्थाओं से मेरा एक अपील है कि ऐसे लोगों, समाज सेवियों से अपील है कि करनाल में 200 से ऊपर संस्थाएं हैं, अगर सारी संस्था एक हो जाए तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। सभी अपनी अपनी सोच के कारण, सभी अपने राजनीति के चमकाने के कारण, सभी अपने घरों में चुप बैठी है, इसी कारण भाई आज अकेला खड़ा है। क्या नाम अपने NGO का? नीड ब्लेसिंग नोट मनी। तो आप देख रहे थे कि किस प्रकार से सीएम सिटी करनाल के अंदर, जी हाँ, नीड ब्लेसिंग नोट मनी जो NGO है, उनके जो कर्ता धरता है, उनके जो वासी हैं, उनके जो लोग हैं, जो काम करते हैं, जो सेवा करते हैं सीएम सिटी करनाल के अंदर, जो बेसहारा मिलते हैं, जो गरीब परिवार मिलते हैं, जिनको पैसों की जरूरत होती है या फिर किसी अन्न की जरूरत होती है या फिर उनको किसी प्रकार की सहूलियत नहीं मिल पाती, तो जो नीड ब्लेसिंग नोट मनी NGO है वो उनकी मदद करती है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले कल्पना चावला के अंदर जैसे वो अपना काम कर रहे थे तो वहाँ पर दो नकाबपोश आते हैं, स्प्लेंडर बाइक पर आते हैं जिसकी ना ही नंबर प्लेट थी, और डंडों के साथ वो वहाँ पर आते हैं, इनको धमकी देते हैं, और ऐसा कई बार होता है जिनको जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि आप अपना ये काम बंद कर दे। तो प्रशासन से अपील है कि इस प्रकार के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द उन आरोपियों को गिरफ्तार करें। और कल्पना चावला की जो सिक्योरिटी है उन पर भी सवाल उठता है कि वो सिक्योरिटी कहाँ चली जाती है जब इस प्रकार के लोग कल्पना चावला के अंदर एंटर करते हैं। तो जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही इसे शेयर जरूर करें। मैं रविंदर सरपंच संसार क्रांति से, जय हिंद जय भारत।